मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएस सेकंड ईयर में पैडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल में या यू कवे
का
वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वह सभी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। जो शिक्षा शास्त्र के उन्होंने इस अधिगम का अर्थ बताते हुए क्या कहा है कि विषय को स्पष्ट करने या उसको आकर्षक या रुचिकर बनाने के लिए जनकी विषय वस्तु को सरल सुबोध बनाने के लिए जिस सामग्री या वस्तु का उपयोग किया जाता है वह शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसी चीजों का उपयोग करें या शब्द सामग्री का उपयोग करें जो हमारी विषय वस्तु है वह क्या बन जाए, बिल्कुल सरल बन जाए, सुबोध बन जाए और पढ़ने में उसको हमें रुचि आए। ऐसा जो वस्तु का उपयोग जो हम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत करेंगे तो क्या होगा, शिक्षण सामग्री में हमारी बिल्कुल रुचिकर बन पाती है। प्रभावशाली
मिठाई बनाता है। तो मेकर रॉबर्ट्स ने बोला जो शिक्षक है वह क्या करता है, इन सामग्री का उपयोग करके वह बालक की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके जो पाठ्य पुस्तक है उसको रुचि का प्रभावशाली बनाता है। तो एक अध्यापक का दायित्व होता है कि जब वह अध्यापन कार्य करवा रहा है तो वह सरल और स्पष्ट हो, जिससे क्या है प्रत्येक छात्र को इसके अंदर समझ में आए। क्योंकि कुछ कुछ पाठ्य पुस्तक में ऐसे प्रकरण होते हैं जिसे हम आसानी से बालकों को अध्यापन कार्य नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक अध्यापक का दायित्व होता है कि जब वह अध्यापन कार्य करवा रहा है तो प्रकरण से संबंधित जो भी कठिन शब्द है उनको सरल वे में बनाकर छात्रों को अध्यापन कार्य करवा सके। तो ये परिभाषा दी है इन्होंने मेकर रॉबर्ट्स ने। अब हम आगे चलते हैं। सामग्री के अंतर्गत क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वह क्या करता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। और जो शिक्षण सामग्री है इसके अंतर्गत अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, अपने अपने अनुसार उन्होंने परिभाषाएं दी है, परंतु इसके अंतर्गत अधिक गहराई में ना जाकर हमने ये परिभाषा है ये शॉर्ट में इसको हमने जाना है। अब इसके अंतर्गत जो शिक्षण सामग्री होती है उसके अंतर्गत जो सभी सामग्री होती है तो उसे हम किसे कहते हैं कि जिसमें छात्र देखकर ज्ञान प्रदान करे प्राप्त करे वह सभी सामग्री दर्श सामग्री कहलाती है, और जिससे छात्र सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे सभी सामग्री कहा जाता है। और जिसके माध्यम से छात्र सुन भी रहा है और देख भी रहा है उसे सभी सामग्री के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये सब सभी सामग्री है इसका उपयोग अध्यापक पूर्ण रूप से करते हैं, क्योंकि वह चाहता है कि जो हमारी विषय वस्तु है उसे हम सरल बना सके, सरल बना के छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सके। अब हम पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता, कि उपयोगिता क्या होगी। उपयोगिता फर्स्ट है विषय वस्तु
पिछले सामर्थ्य में रोचकता का विकास हम कैसे करेंगे। तो इसके अंतर्गत संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से जब हम अध्यापन कार्य करवाएंगे तो जो हमारी विषय सामग्री है उसमें रोचकता का विकास हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए मैं किसी बांध की जानकारी छात्रों को दे रही हूँ तो मैं क्या करूँगी इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट और रेडियो के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कार्य करवाऊंगी। तो उसमें क्या है विषय सामग्री के अंतर्गत उसमें रोचकता उत्पन्न होगी क्योंकि बांध को पाठ्य पुस्तक से अगर पढ़ाया जाता है तो छात्र क्या है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, परंतु अगर बांध की जानकारी हम प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को दें तो क्या होगा छात्र के लिए रुचिकर हो जाएगा। इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है बनाए रखिए जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।